वेलकम है दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे एक नए वीडियो पर। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही है, और फाइनली हमारे जितने भी क्रिप्टो के निवेशक हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ वाली अपडेट है। और किसकी तरफ से ये अपडेट आई है दोस्तों, और इस अपडेट में क्या क्या बातें मेंशन की गई हैं, इन सारी बातों पर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, और आपको यहाँ पर लाइवली विद प्रूफ के मैं यहाँ पर दिखाने भी वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी अपडेट आती है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो यहाँ पर दोस्तों जो अपडेट आई है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, वो हमारे भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी की तरफ से आई है। और यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेट के ऊपर सारी बातें यहाँ पर दोस्तों की गई हैं इस अपडेट में। और यहाँ पर किसके साथ में ये सारी बातें हुई हैं दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो निदेशक हैं यानी IMF की जो डायरेक्टर हैं, उनके साथ में यहाँ पर इनकी क्रिप्टो को लेकर के, क्रिप्टो रेगुलेट को लेकर के, क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर के सारी बातों पर इनकी यहाँ पर चर्चा हुई है। और उनका जो नाम है वो है क्रिस्टालीना जॉर्जीवा, उनके साथ में दोस्तों सारी बातें क्रिप्टो के ऊपर डिस्कस हुई हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर ने उनसे बोला है कि आप हमारे इसमें, उनसे आग्रह किया है कि आप क्रिप्टो रेगुलेट में आप हमारी मदद करें, इसको क्रिप्टो को जल्द से जल्द रेगुलेट करने की बहुत आवश्यकता है। यदि हम इसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो इससे होने वाले जो अनलीगल ट्रांजैक्शन है या जो मनी लॉन्ड्रिंग है या इससे जो आतंकवाद को जो बढ़ावा मिलता है उसको हम नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए क्रिप्टो को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और उनसे उन्होंने आग्रह करते हुए कहा है कि आप क्रिप्टो को रेगुलेट करने में हमारी मदद करें। तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं आपकी हर संभवतः मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये सारी बातें उनकी यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। तो यहाँ पर एक बात तो ये तय हो जाती है कि अब हमारी क्रिप्टो जो है वो बैन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि सभी देश क्रिप्टो रेगुलेट के ऊपर काम कर रहा है। और ये लगभग आपको साल के अंत तक, इसी साल में आपको जो है अपने भारत में यानी इंडिया में क्रिप्टो जो है वो रेगुलेट हो जाएगी। ये हमारे क्रिप्टो निवेशकों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और यहाँ पर आप सभी लोगों को किसी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर ट्रेडिंग करिए, आप लोग बेझिझक होकर क्रिप्टो को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करिए। अब आपको यहाँ पर जल्दबाजी में अपनी क्रिप्टो को सेल नहीं करना है, ना ही आपको जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों जो भी डिसीजन लेंगे आप उससे नुकसान केवल और केवल आपको होगा, इस आपको ही होगा। इसीलिए आप लोग अब आपको क्रिप्टो में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको यहाँ पर किसी गलत अफवाह में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्टली आज सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि हमारे जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्रिप्टो को बैन नहीं बल्कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने वाली हैं। और अकेला इंडिया ही नहीं बल्कि ये ग्लोबली तरीके से क्रिप्टो है वो रेगुलेट होने वाली है। यहाँ पर क्रिप्टो बैन करने के पीछे केवल और केवल RBI पड़ी हुई थी। यहाँ पर RBI को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्रिप्टो से, RBI ही केवल क्रिप्टो को बैन करने की। अब यहाँ पर RBI की नहीं चलेगी, यहाँ पर अब चलेगी पार्लियामेंट की, और यहाँ पर जो भी डिसीजन लेगी पार्लियामेंट वो मानना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये सारी बातें दोस्तों इस अपडेट में मेंशन की गई हैं। उसके बाद दोस्तों जो IMF की जो डायरेक्टर है क्रिस्टालीना जॉर्जीवा, उनकी फिर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है, उनसे भी यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेट के ऊपर चर्चाएं हुई हैं। सारी बातें दोस्तों आज फाइनली इस अपडेट में की गई हैं, इसीलिए अब गवर्नमेंट का जो रुझान है वो क्रिप्टो को रेगुलेट करने की तरफ है। इसीलिए अब हमें किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं लेना है, हमारी क्रिप्टो बहुत जल्द रेगुलेट हो जाएगी दोस्तों। सारी बातें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं आज, और इस पर बहुत जल्द आपको जो है वो रेगुलेशंस देखने को मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।